जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रिय छात्राओं, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याकरण का एक प्रमुख प्रकरण दिगंत प्रकरण का शुभारंभ हो चुका है। विगत कुछ दिनों से हम आपको दिगंत प्रकरण के बारे में रूबरू करा रहे हैं, तो आज पुनः फिर हाजिर हैं हम आपके समक्ष कुछ नवीन सूत्रों की व्याख्या लेकर दिगंत प्रकरण के साथ। तो बिना किसी विलंब के करते हैं आज की परिचर्चा को। का श्री गणेश प्रमुख सूत्र तिंग सिद्ध सार्वधर्म केसा मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर के इस पर लिखा हुआ है सामान्य जानकारी, वैसे हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं इन सूत्रों के संदर्भ में। तो आज का जो पहला सूत्र है आपका तिंग सिद्ध सार्वधर्म, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये जो सूत्र है तिंग सिद्ध सार्वधर्म कौन सी संज्ञा करता है। तो नाम लिखा हुआ है सार्वधर्म संज्ञा, तो होती किसकी है? धातु के अधिकार में प्रयुक्त तिंग और सिद्ध क्या होते हैं? सार्वधर्म संज्ञा होते हैं। यानी तिंग प्रत्यय आपके जो अष्टादश तिंग प्रत्यय हैं ते तस जी वस मस ये परस्मै पद के और ते आकाम छे था साकाम ध्वम इट वही और महीन ये नौ प्रत्यय हैं आपके आत्मे पद के। तो तेन प्रत्यय और सिद्ध प्रत्यय की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। केवल संज्ञा विधायक सूत्र है, क्या करता है सार्वधातुक संज्ञा। तेन प्रत्यय और सिद्ध का मतलब सिद्ध से अभिप्राय है, जिज्ञासा ये भी जागृत हो रही होगी आपके मन मस्तिष्क में कि आप इस सिद्ध किसे कहते हैं। तो सिद्ध का अभिप्राय है जिसमें सय वर्ण की संज्ञा होती हो उसे सिद्ध बोलते हैं संस्कृत व्याकरण। तो क्लियर हुआ? तो तिंग और सिद्ध की क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा। पहला सूत्र क्लियर, चलते हैं दूसरा सूत्र कर्त्री सर। कर्त्री वाच्य में धातु के अधिकार में कहे गए सार्वधातुक संज्ञा से पूर्व, कर्तृवाच्य में धातु के अधिकार में कहे गए सार्वधातुक अवयव से पूर्व क्या होता है? सब विकरण का आगम होता है भवादिगण में। ये इस सूत्र का भावार्थ है। सब विकरण का आगम होता है, सबका क्या शेष रहता है? ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है सबका। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जो पकार आया हुआ है उसकी हलंतम से संज्ञा हो जाएगी और सकार है उसकी लसत्व तद्धिते सुखे संज्ञा, और जिसकी भी संज्ञा होती है वो आप प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ के आए होंगे, उस सूत्र का नाम होता है तस्य लोपे। तस्य लोपे सूत्र क्या कहता है? जिस भी वर्ण की संज्ञा होती है उसका क्या कर देते हैं हम? लोप कर देते हैं। तस्य लोपे सूत्र यही कहता है कि जिसकी भी संज्ञा होती है उसका हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो कर्तृवाच्य में धातु के अधिकार में प्रयुक्त सार धातु अवयव से पूर्व क्या होता है? सब विकरण का आगम होता है जिसका ऐसे रहता है। जैसे आपकी भू धातु है और तिप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय की सार धातु संज्ञा हो चुकी है सार धातु सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है। तो धातु और प्रत्यय के बीच में सब विकरण का आगम कर दिया तो भू प्लस सब प्लस तिप ये स्थिति बनेगी। इसे तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से और कर्त्री सत्सूत्र की सहायता से क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लसत्व तद्धिते। आखिर जो लसत्व तद्धिते सूत्र है वो क्या कहता है? इसके संदर्भ में भी हम थोड़ी सी परिचर्चा आपसे कर लेते हैं। वैसे इस सूत्र को आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि लसत्व तद्धिते क्या कहता है कि तद्धित को छोड़ करके। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृदन्त, तद्धित और स्त्री। तो तद्धित को छोड़ करके प्रत्यय के आदि में, आदि का मतलब प्रारंभ में,
यानी क्या हो, शुरुआत में क्या हो, लकार हो, सकार हो और के वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब में से है, प्रत्यय के आदि में है, तद्धित को छोड़कर के है, इसलिए इस सकार की क्या होगी, लसक तद्धित सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तद्धित को छोड़ करके प्रत्यय के शुभारंभ में या आरंभ में या आदि में क्या हो, लकार हो, सकार हो या के वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या कर देते हैं, हम लोप कर देते हैं तस्य लोपे सूत्र के माध्यम से। हुआ क्लियर? तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस ए प्लस ती, पकार की भी अलंकरण से संज्ञा हो चुकी है तस्य लोपे से लो, तो आपकी स्थिति भू धातु है, कर्तृ शब्द का ए है और तिप का ती, ये स्थिति बन जाएगी आपकी। जब आप सिद्धि करेंगे तब उसमें ये काम आएंगे सूत्र और एक दो दिन में ही आपकी सिद्धि प्रारंभ हो जाएगी और तब आप अपने अध्ययन को और ज्यादा तीव्र गति से पढ़ सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट सूत्र है आपका सार धातु का आधार। ये क्या कहता है कि सार धातु क्या आर धातु परे हो तो, यानी जिसकी सार धातु संज्ञा हो चुकी है या आर धातु संज्ञा परे हो चुकी है तो इगंत जो धातु हो, धातु के इगंत को गुणे का आदेश होता है। इगंत का मतलब है, इगंत का मतलब समझ लीजिए ई ओ री वी, किसी भी धातु के अंत में ये स्वर है, किसी भी धातु के अंत में ये स्वर है तो इगंत को क्या होता है, गुणे का आदेश होता है। ई ओ री वी, किसी भी धातु के अंत में अगर ये वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं तो इगंत को हम क्या करेंगे, गुण एकादेश करेंगे। क्लियर हुआ? सार धातु या आर धातु अवयव के परे रहते, यानी कि आपका सार धातु पे ये परे है, बाद में है तो इगंत को गुण एकादेश। तो जैसे कि आपकी भू धातु है, ये कर्तृ शब्द का है, ये सार धातु का अवयव ती है, तो इगंत मतलब ई के स्थान, गुण का मतलब होता है ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर उ, री के स्थान पर अर और ऋ के स्थान पर अल। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या, ये जो इगंत का उप है इसको गुणे का आदेश क्या कर दिया, ओ कर दिया। तो स्थिति आपकी बन जाएगी भय भयंत प्लस ओ प्लस ए प्लस टी, ये स्थिति बन जाएगी। अब चलते हैं आगामी सूत्र। आगामी सूत्र है आपका जो अंत है। जो अंत है सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर, प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर अंतर आदेश होता है। यानी आपके जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय, जो प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है आपका क्या जी, तो जो झ वर्ण केवल उसके स्थान पर आपको अंत आदेश करना है, तो प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर क्या होता है, अंत आदेश होता है। जैसे आप देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, ये यहां इधर लिख रहे हैं वै प्लस ओ प्लस जी होता है, तो वै प्लस ओ प्लस ए जय में केवल जय के स्थान पर आपको अंत आदेश करना है, ई की मात्रा वैसे के वैसे लगा देंगे अंति, ये स्थिति बनेगी। तो झुवंते सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय के अवयव जय के स्थान पर अंत आदेश होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगामी सूत्र। आगामी सूत्र आपका है एचो एले वाया वे, आयादि संधि का सूत्र है। पूर्व की कक्षाओं में भी आप इसके सूत्र के बारे में पढ़ के आए हैं। आयादि आदेश करता है, कैसे करता है, क्या कहता है कि एच प्रत्याहार के उपरांत, एच प्रत्याहार में आपके ये चार स्वर आते हैं ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये चार स्वर आपके एच प्रत्याहार में आते हैं। इनके उपरांत कोई भी अचवर्ण हो, एच प्रत्याहार के उपरांत कोई भी अचवर्ण हो तो एच के स्थान पर क्या होते हैं, अयादि आदेश होते हैं। जैसे ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, ये अयादि आदेश होते हैं। एचो ए वायावे सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहार के उपरांत यदि कोई भी अचवर्ण विद्यमान हो तो एच के स्थान पर अयादि आदेश होंगे। एच में आपके चार वर्ण आते हैं ए ओ आई औ, इसके उपरांत कोई भी अचवर्ण हो
तो एच के स्थान पर क्या होता है, अयादि आदेश होते हैं। जैसे ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, ये चार आपके क्या है, अयादि आदेश है। तो स्थिति आपकी क्या बन जाएगी, ये जो ओ आया हुआ है ओ के उपरांत ओ है जिसकी गणना एच प्रत्यय में की जाती है, तो इस ओ के स्थान पर आवादेश है प्लस आओ प्लस ए प्लस दी। तो इस प्रकार से जब आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपका भवति शब्द क्या होगा, निष्पन्न होगा। इस प्रकार आज हमने कुछ सूत्रों के बारे में आपको चर्चा की और नेक्स्ट वीडियो में आपकी सिद्धियों का भी शुभारंभ हो सकता है। तो आप मनोयोग पूर्वक पढ़ें। महाविद्यालय के द्वारा आपको जो YouTube पर वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनके माध्यम से आप अपने अध्ययन को एक गति और नवीन दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। इसी मंगल कामना मैं समस्त स्नेही छात्राओं से करता हूं। जैसे ही COVID-19 का दौर खत्म होगा हम और आप फिर आपसे क्लास में फेस टू फेस रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पुनः जय श्री कृष्ण।